Hi guys, welcome to Feel Beauty Vlogs. और दो दिन बाद मैं शायद वीडियो बना रही हूँ और आपके सामने आ रही हूँ. My सेवक्स कैसे हो सब? I hope आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ. तो चलिए आज मैं आपको forgiveness और blessings देती हूँ. जिनको भी forgive करना है, forgiveness मांगनी है, माफ़ी मांगनी है. forgiveness का मतलब है माफ़ी मांगना, मालकिन के पास माफ़ी मांगना. तो ये चरणों में जिसको भी माफ़ी मांगना है, जिसको भी ब्लेसिंग्स लेना है, ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद. तो आज का टॉपिक है ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद. जिसको जिसको भी लेना है, लाइन से खड़े रहो और फगीवनेस की, बोलते हैं ना, फगीवनेस हृदय से मांगो और आशीर्वाद मन से मांगो. मन और हृदय एक ही है. तो गाइज, लेट्स स्टार्ट टू दिस ब्यूटीफुल वीडियो. मैं पहन रही हूँ ये आज ब्यूटीफुल सिल्वर कलर के पायल और ये बहुत अच्छे इयरफोन्स में ये आवाज़ आ रही है, खूबसूरत आवाज़. और ये पायल बहुत प्रिटी है, इसमें डायमंड्स भी लगे हुए हैं वाइट कलर के. तो चलिए मैं पायल पहनती हूँ. और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए. बाजू में बेल आइकॉन आता है, उसको हिट करना. मुझे लगता है कोई कोई बेल आइकॉन हिट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद शायद आप लोगों के पास पहुंचता होगा. सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. जो घंटा है उसको प्रेस कीजिए तो नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस के आ जाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस के. तो गाइज, लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो. चलिए पायल पहनती हूँ. और जिसको जिसको पहनाना है पायल ना, ज़रूर इस वीडियो में शामिल हो जाइए, क्योंकि नहीं तो मैं चाकू लेने वाली हूँ. सबकी पिटाई होगी. माफ़ी मांगो तो ठीक से मांगो, मन से, हृदय से, माइंड से मांगो. अपने कर्मों की सज़ा जिसके लिए माफ़ी चाहिए तुम लोगों को, तो अच्छे मन से मांगो, पवित्र मन से मांगो इस चरणों में झुक के. लेट्स सी किसको ब्लेसिंग्स मिलते हैं, किसको फगीवनेस मिलता है. फगीवनेस इज डिफरेंट, ब्लेसिंग्स आर डिफरेंट. फगीवनेस उनको मिलती है जिन्होंने कुछ गलत काम किया है, और फगीवनेस उसको भी मिलती है जिनको अपने कर्मों में जितने भी पाप किए हो उनके लिए उनको माफ़ी चाहिए, या उनके लिए सज़ा चाहिए तो सज़ा भी देती हूँ मैं और माफ़ी भी देती हूँ, है ना. तो सज़ा किसको चाहिए वो कमेंट्स में बताना, और माफ़ी प्यार से किसको चाहिए वो भी कमेंट्स में बताना. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. कहाँ, मैं गिफ्ट्स लेना पसंद नहीं करती हूँ, अच्छे नहीं लगते हैं मुझे गिफ्ट्स लेना. तो ये देखिए कितनी खूबसूरत है, इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी आवाज़ है. और ये जो नेल पेंट लगाई है मुझे खास करके पसंद नहीं आई, ये बरगंडी कलर की है लेकिन मुझे पसंद नहीं आई. ये देखिए, आपको क्या लगता है सेवको बताना मुझे. चलिए मैं अभी दूसरी पायल पहनती हूँ. प्रिटी आई गेस, ओह सॉरी, वाइट डायमंड्स. और मुझे सिल्वर कलर के पायल स्पेशली घुंघरू वाले, जिनकी अच्छी सी छन छन मीठी आवाज़ आती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है. बिना आवाज़ वाले एंकलेट्स मुझे नहीं पसंद. पायल जो आवाज़ करती है अच्छी लगती है ना. कैसे लग रहे हैं? लेकिन नेल पेंट अच्छी नहीं लग रही है, पता है मुझे. ये देखिए कैसी है ना. तो किसकी किसको आवाज़ अच्छी लगती है पायल की, आवाज़ वाली घुंघरू वाली पायल किसको किसको अच्छे लगते हैं वो ज़रूर कमेंट्स करके बताना. और हाँ, गिफ्ट्स एक्सेप्टेड नहीं है, गिफ्ट्स मैं लेना बंद कर दिया है. और ये बहुत प्रिटी पायल है, मुझे बहुत पसंद है, ऐसा लगता है हमेशा ऐसे पहनती रहूँ ये पायल है. तो चलिए आशीर्वाद मांगिए, जिनको फगीवनेस चाहिए, माफ़ी चाहिए वो भी आइए. मुझे पसंद है, खास करके मेरे सेवकों को पसंद है ना. और इसकी आवाज़ किसको किसको पसंद है, गुरु की आवाज़ किसको पसंद है और चाबु की आवाज़ किसको पसंद है. आ गई आवाज़, इसे आवाज़ कहते हैं. और ये कानों को बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली मेरे. चलो माफ़ी मांगो सेवक्स, अपने कर्मों की, अपने गुनाहों की, अपने जो
पापों के लिए जो अपने बाय मिस्टेक की हो या मिस्टेकली की हो, बहुत टाइप के आपके कर्म होंगे तुम्हारे नॉट आपके, तुम लोगों को तुम करके पुकारा जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। तो माफी मांगिए पैरों में गिड़गिड़ा के, गिड़गिड़ा के माफी मांगोगे तो माफी जल्दी मिलेगी, मालकिन खुश हो जाएगी। अगर अकड़ के रहोगे ना तो माफी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारी घमंड सब चूर चूर करना है यहाँ पैरों में, अकड़ में मत रहो, घमंड में मत रहो, समझे। जब माफी मांगो तो अच्छी तरह से ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ऐसे इस टाइप से ब्लेसिंग्स मिलेंगे मेरे चरणों के। हाँ, और मैं ऐसी ही हूँ, और अगर मैं आपको आज अलग स्टाइल में दिख रही हूँ तो मैंने बहुत सारा ऑयल लगाया है, समझ जाइए। सो हैव ब्लेसिंग्स एंड हैव फॉरगिवनेस अंडर माय फीट, डिवाइन फीट। जिनको जिनको चाहिए वो कमेंट कीजिए, माफ़ी दे रही हूँ मैं आज, ले लो माफ़ी अपने पापों की, गुनाहों की, जितने भी गुनाह तुम लोग ने किए हैं ना उस तो उसकी माफ़ी मांगो, अच्छा रहेगा। अगले जन्म में पुण्य का काम करोगे तो भी अच्छा है, और अगर पुण्य का काम नहीं किया तो माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। पुण्य करो, झुको, चरणों को झुकाओ, पुण्य करो तो अच्छी अच्छा फल मिलेगा गॉड से। सिर्फ अकड़ 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 को चूल्हे में डालो, अच्छे से रहो यहाँ मेरे चरणों में, शांति मिलेगी, हेवन मिलेगा, समझे। लाइफ में तुम लोगों ने कुछ किया नहीं है, इसीलिए माफी मांगो, ब्लेसिंग्स लो, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स मिलेगी तो समझ जाना कि आपने कर्मों की आपकी सजा दूर हो गई है। पुण्य का काम है माफी मांगना और आशीर्वाद लेना, ये पुण्य करो इस जन्म में, समझे। किसी लायक बनो, सर अपने सर को अच्छे लायक बनाओ, ये जो सर है ना किसी काम का नहीं है। अगर किसी जानवर का सर काटोगे तो शोपीस जैसा रखोगे, लेकिन तुम लोग का सर है ना कोई शोपीस नहीं रखेगा, समझ जाना, दिमाग में रखो। तुम लोग का सर सिर्फ झुक कर ही पावन हो सकता है, जितना भी सर को झुकाओगे मार्किन के चरणों में ना तो तुम्हारे सर की कीमत बढ़ जाएगी, माफ़ी मिलेगी, पुण्य मिलेगा, समझे। आज की क्लास यही है। अगर आप शेर को मारोगे तो शेर के जो हेड है वो सजावट के लिए रखते हैं दीवार पे, इंसानों के सर नहीं रखते हैं सजावट के लिए, उनको झुकना ही है, झुकाओ सर तो कीमत मिलेगी तुम्हारे सर की, समझे। कुछ समझे और समझाओ। तो सेवो को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, डोंट फॉरगेट। तो ये जो मेरा टॉय है वो अपना काम करेगा, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।